सुनाया जाता है कि इंद्रगढ़ के रहने वाला अमन सिंह का लड़का जाप सिंह 18 साल की उम्र में शिकार का बहुत शौकीन था। माँ बाप के मरने के बाद एक मर्तबा वो शिकार खेलने गया तो पीछे से गनीमों ने बगावत कर दी और राजपाट पर कब्जा कर लिया। जब जाप सिंह शिकार से वापस आया तो शहर के दरवाजे पर उसके लिए 12 साल का दसौटा लिखा हुआ था कि जाप सिंह 12 साल तक अगर इस शहर में नजर आए तो इसे जान से मार दिया जाए। जाप सिंह पढ़ के चला जाता है और फिरता फिराता दिल्ली शहर में पहुंच जाता है। दिल्ली शहर में शाहजहां बादशाह का राज था। नौकरी के लिए जाप सिंह पूछता पूछता एक जगह लड़कियों के पिजन में चला जाता है। मैंने कहा जयराम जी की, जयराम जी की कौन है भाई? तो मैं परदेशी बंदा हूँ, परदेशी बंदा ही अभी क्यों मैं किसान का भड़का भाई पा रहा था। नहीं मैं भूल के चलाया घूर के देख रहे थे, जरा नहीं आते। मैं भूल के क्यों देखू था? कौन तो कह करेगा भाई, ये तो मार खा रही भाई, मार खा रहे। इसका मुंडा गेट है, चाप ना चाप ना मत, मुंडा गेट है, मुंडा गेट है। अरे तेरे तो चुप कर, मैं बोल रहा नहीं, कौन आ बना हुआ
तोबा तोबा बस डंडा बता रही है, कोई मार दी है, कोई पीट दी है, बात नवे नहीं लग रही दे रही है कोई जी भी मेरी बात फिर बोल भोली भोली शाम भोली मारे नहीं करते, पर देखिया क्या
कड़वी बोलो क्या बात है कड़वी ना अर्दर तो प्यार से बोलना प्यार से बोलना चाहिए तेरे वर्गी जीरा में तो मेरे वर्गी जीरा में हाँ ऐसा तो बहुत लुच्चा है लुच्चा नहीं रह करता मैं इस तरह घूर घूर कर देख रहे तेरे शर्म नहीं आती अखा फोड़ रही हूँ तेरे मिल पर आई बिन आई क्यों तुम रख मार